ब्रिज खुशमा गादी ब्रिज खुशमा गादी ब्रिज खुशमा गादी ब्रिज जाने के लिए संगम चौक ये मेन रास्ता बैनी की तरफ जा रहा है, इस रास्ते से निकल जाएंगे। सागर थोड़ा पीछे निकल गया है, उसका वेट कर रहा हूँ, आने वाला होगा। वैसे नीचे से भी रास्ता है, बता रहे हैं लोकल्स, इन लोगों ने हेल्प करी है। और इस मार्केट के एंड में खुशमा गयादी ब्रिज है। ब्रिज के लिए ये रास्ता है, ब्रिज खुशमा गयादी ब्रिज। यहाँ होटल्स के बाहर लिखा रहता है ऐसे खाजा घर, खाजा मीन्स खाना होगा, पूछूंगा वैसे मैं, पर मोस्ट प्रोबेबली यही है। और हमें ये वाला रूट फॉलो करने के लिए बोला गया है मार्केट के एंड में। देयर इज अ ब्रिज which is Nepal tallest suspension bridge. और डिस्कवरी में भी इसी का नाम आता है। और इसी ब्रिज इसी के लिए हम लगभग 65 किलोमीटर हो गए पोखरा से। 65 किलोमीटर हमारे इस ब्रिज के लिए, और 65 में से लगभग 45 या 50 किलोमीटर ऑफ रोड है, मतलब सड़क है ही नहीं। अगर आपकी बाइक में रोड ऑफ रोडिंग टायर्स नहीं है, आई वोंट सजेस्ट उस रोड पे जाए। मैंने स्पेशली इन रास्तों के लिए टायर चेंज कराया था अपना। खुशमा गयादी ब्रिज इस साइड है। ओ बाप रे भाई साहब, ओ बाप रे। मार्केट बियर शॉप तो नेपाल में गली गली कोने कोने में है। तो ये है गाइस खुशमा गयादी ब्रिज। तो इसके लिए हम पोखरा से निकले थे, खुशमा गयादी ब्रिज ये है। ये पूरा इस पे बाइक से हम जाएंगे, गोप्रो मोड में आपको दिखाऊंगा मैं भी। खुशमा गयादी ब्रिज इस पे बाइक ना बाबा ना। सागर इस पे बाइक चलो थोड़ा देख के आते हैं। तो चलने में हिल रहा है ना, फिर बाइक कैसे जाएगी। इसमें चलने में डर लग रहा भैया, इस पे बाइक नॉट पॉसिबल। कितना नीचे खाई है और उस पर ये सस्पेंशन ब्रिज है, इस पर बाइक तो पॉसिबल नहीं है, इस पर पॉसिबल नहीं है बाइक।
मेरी नहीं जाएगी, ऊपर देख रहा कितना स्लोप है। हाँ लेकिन लोग है ना वो थॉटल बना के। A few moments later. चल तो मेरे आगे सागर जा रहा है। तो नेपाल हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज पर हम लोग हैं, खुशमा ग्यादी। जब पैदल आए तो हालत खराब हो रही थी अपनी बाइक से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फक यार, बहुत डर के आगे जीत है। हिल रहा है, बीच में चलानी चाहिए बाइक। वेट ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा आगे चल। देखो कितनी हाइट है बीच में भाई, 100-200 लेके भी लैंड नहीं हो पाएंगे यहाँ तो। भगवान श्री राम, डर लग रहा था लेकिन पार हो गया। मुझे डर लग रहा था बट आराम से बाइक चढ़ रही है और बस ऑलमोस्ट देयर। ए पहुंच गए, कंप्लीटेड एक तरह से जर्नी। ये देखो ये है वो ब्रिज, इस पे समय। A few moments later. तो खुशमा ग्यादी ब्रिज से हम लोग आ गए और अब वापस पोखरा की तरफ जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे लगेंगे, बीच में बहुत ऑफ रोडिंग है। 2 घंटे लगने वाले हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:15, हम लगभग 5:15 तक जाएंगे, तब तक दिन ढल जाएगा इधर। चलिए जहाँ रोड बिल्कुल खराब होगी मैं वो दिखाऊंगा आपको। रोड टूटी हुई है यहाँ पर, जो ये एक ट्रक जैसा जुगाड़ है नेपाल में वो फंस गया है, और जब वो पास में आएगा या हम पास में जाएंगे तो वहाँ आ रहा है वो। इसको देखना है किस तरीके का है। बाइक वाले ने भी कहा यहाँ पे फंसाई है बाइक। अरे हट जा भाई, सामने खड़ा हो गया। ये देखो ये इंजन लगा के पूरा ये जुगाड़ है।